हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। NLP ट्रेनर और कोच हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं हमको गुस्सा बहुत आता है। मैं उनको बोलता हूँ कि गुस्सा आता है कि आप गुस्सा करते हो? नहीं, बोले गुस्सा आता है, मैं करता नहीं हूँ। ऐसा समय आ जाता है कि इस समय कुछ तो भी होता है, मेरे मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाता है, कोई मेरा इंसल्ट कर देता है, कोई कुछ बातें बोल देता है, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। जो सच नहीं है, मुझे लगता है कि जो असत्य है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मेरा कुछ इंसल्ट कर रहा है, कुछ मुझे ब्लेम कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है, मुझे गुस्सा आ जाता है। मतलब ये आपको गुस्सा आता नहीं, आप गुस्सा लाते हो। बोले कैसा? क्या बोला? देखो कि आप समझ के चलो कि आप कोई एक कंपनी में सर्विस में हूँ और वहाँ आपका एक बॉस है। बॉस ने आपको बुलाया, घंटी बजाए बुलाया। आप बॉस के कमरे में गए, केबिन में गए, और बॉस ने आपको बिना वजह बहुत डांट दिया। आपकी गलती भी नहीं थी, तो भी बॉस ने बहुत डांट दिया आपको, और आप एकदम खड़े हैं वहाँ हाथ जोड़ के, और आप यस 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 बोल रहे। अब आपको मालूम है कि मेरी गलती नहीं है, बॉस की उसके पत्नी के साथ में कुछ झंझट हो गई होंगी, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई होंगी, उसको उसके बॉस ने डांट दिया होगा, इसलिए वो आपको डांट रहा है। आपको कुछ सब कुछ पता है कि ये बराबर नहीं है, और तभी भी आप उसके सामने चुपचाप खड़े रहते हो, क्योंकि आपको ये मालूम है कि समझो मैं कुछ बोलूँगा वहाँ, कुछ उल्टा जवाब दूंगा, तो मेरे लिए वो घातक है। तो वहाँ तो गुस्सा करते नहीं हो, और वही समझो आप घर पे जाते हो, बॉस ने डांट दिया, अभी घर पे गए, घर पे जाने के बाद में पत्नी घर पे नहीं है, या उसने चाय टाइम पे दिया नहीं, या बच्चा सामने आया, उसने कुछ तो भी आपसे डिमांड किया, और आप फटाक से उसके ऊपर गुस्सा करना चालू कर देते हैं। क्यों? आप गुस्सा वहीं करते हो जहां आपको मालूम है कि मैंने गुस्सा किया तो कुछ होने वाला नहीं है मुझे, इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। मतलब आपसे कमजोर लोग जो है उनके ऊपर गुस्सा करते हो, जो आपसे बड़े हैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं करते। तो इसका मतलब गुस्सा कहाँ करना या कहाँ नहीं करना वो आपको मालूम है, और वो आपके कंट्रोल में है। होता क्या है कि कुछ तो भी घटना होती है वातावरण में, कोई कुछ आपको बोल देता है, वो कुछ बोलने के बाद में एक कुछ ऐसा क्षण आता है, एक सेकंड का हजारावां हिस्सा, कि जिसमें आपसे कुछ तो भी बात करते हो, और वो बात करने के बाद में फिर रिफ्लेक्सली अपने जबान से कुछ बाहर निकलता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि इमोशंस जो है, इमोशंस डू नॉट क्रिएट, मतलब सॉरी, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि सिचुएशंस डू नॉट क्रिएट इमोशंस, कंडीशंस डू नॉट क्रिएट इमोशंस। कोई परिस्थिति है तो परिस्थिति आपके इमोशंस, आपका गुस्सा क्रिएट नहीं करती है, कोई घटना आपको गुस्सा नहीं दिलाती है, आप यू क्रिएट योर इमोशंस बाय सेइंग समथिंग टू योर सेल्फ इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आप आपके इमोशन को, आप आपके भावनाओं को तैयार करते हो कब? जब कुछ होता है तो एक सेकंड का एक हजारावां हिस्सा, उसमें आप कुछ तो भी अपने आप से बात करते हो और आपको गुस्सा आ जाता है। अभी आपको वो पकड़ना है कि कुछ बोलने के बाद में मैं जो उसको इंटरप्रिट करता हूँ, उसका जो अर्थ लगाता हूँ, उसको जो मीनिंग लगाता हूँ, वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है वो मेरे को पकड़ने का है, और वो पकड़ के वहाँ मेरे को शांत होना पड़ेगा पहले। अभी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो पकड़ूंगा, मैं उसको शांत करूँगा उस समय, और मैं बोलूँगा कि अभी मुझे करना क्या है, गुस्सा करना है कि नहीं करना है। वो यदि पकड़ में आ गए, वो क्षण कि जिसमें मैं अपने आप से बातचीत कर रहा हूँ, उसको यदि मैं सजग हो गया, वो प्रैक्टिस से हो सकता है, तो फिर गुस्सा आएगा नहीं, क्योंकि हमको मालूम है गुस्सा करके तो नुकसान ही हो जाता है। हम कुछ तो भी, अभी समझो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप कार से जा रहे हो और पीछे से और एक कार आई, उसने आपको ओवरटेक किया, उसने ओवरटेक किया, फटाक से आपको गुस्सा आ गया, और आपने फिर और जोर से कार निकाली और उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो। हुआ क्या कि जब उसने ओवरटेक किया तो आपने अपने आप से कुछ तो भी बातचीत किया कि मेरा इंसल्ट कर रहा, ये मेरा नीचा, ये मुझे नीचा बता रहा है, कुछ तो भी बातचीत आपने किया, और फिर आपकी एक्शन शुरू हो गई, ठीक है मैं उसको बताता हूँ
कि कैसा गाड़ी चलाना और क्या करना, मुझे गाड़ी आती कि नहीं आती, और फिर आप उसको टेक ओवर करने की मतलब ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, उसमें हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि सामने से और कुछ गाड़ियाँ आती होंगी और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि गुस्सा आने के पहले वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है उसको पकड़ना है, और वो यदि हम पकड़ सके और उसकी प्रैक्टिस से संभव है, ये अलग अलग सिचुएशन में कहाँ कहाँ गुस्सा आपको आता है वो सोचो, और वहाँ मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं मुझे पकड़ लूँगा और वहाँ शांत हो जाऊँगा, और फिर वहाँ सोचूंगा कि अभी मुझे रिएक्ट क्या करना है। यदि ये मुझे संभव हो गया, देखो बहुत सारा जीवन जीना मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम निकल जाएंगे, जीवन जीना आसान हो जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग आपके आजू बाजू में होंगे जिनको गुस्सा आता है और जो उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, उन यदि प्रैक्टिस करते हैं कौन सी, अपने आप को पकड़ने की, अपने आप का जो कॉन्वर्जेशन है उसको पकड़ने की कि भाई मैं तुरंत जवाब दूंगा ही नहीं, तुरंत मैं रिएक्ट करूंगा ही नहीं, और मेरा इंटरेक्शन क्या हो रहा है अंदर, मैंने इंटरप्रिटेशन क्या किया अंदर वो देखूंगा और बाद में मैं रिएक्ट करूंगा, तो लोगों को गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। तो लोगों को वो लोगों के साथ में शेयर करो उनको जिनको गुस्सा आता है। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरे काफ़ी सारे वीडियो आपको आते जाएंगे, और वो यदि वीडियो आप सुनते हो तो डेफिनेटली आपको मोटिवेशन मिलेगा काम करने में, आपका मन शांत हो जाएगा, स्वभाव अच्छा हो जाएगा, सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच।